हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी की जो हमारी वीडियो है, एक फनी वीडियो की रिएक्शन वीडियो, और वीडियो का नेम है दी परफेक्ट ब्राइड, और ये कैरी मिनाटी की वीडियो है। और पहले हम देखेंगे वीडियो और उसके मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और उसके मेरा रिएक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक ऐसे प्राणी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे अखंड भारत की जरूरत है। मुझे अब अखंड भारत की जरूरत है। जिन लोगों को नहीं पता ये कौन है, बड़े खुशकिस्मत हो यार तुम लोग। ये राष्ट्र पंछी है जो एक रात सबके पेट में बदहजमी मचा के पालते। अब ये प्राणी कश्मीर और गोवा में पाया जाता है, तो इसलिए आज शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। बकचोदी तो होगी, कश्मीर की मैं कली हूँ। एक सुअर को कितना ही सजा लो, वो मोर नहीं बन जाएगा। छेनी जैसी शक्ल है, अला जैसे पंडित पान मसाला ना थूके इसके मुंह पे। कश्मीर की कली बच्चे बच्चे रिश्ते मुझे आए, बहुत बच्चे बच्चे आए मुझे, बहुत बड़े बड़े रिश्ते आए। से एक रिश्ता आया अफ्रीकन गैंजे की तरफ से, उसे दहेज नहीं चाहिए, बस दुल्हन को नीम के पत्ते के साथ नंगा भेज दो, बच्चों को माँ का प्यार और दूध मिल जाएगा, बाकी जिंदगी तो मौज है यार। वो मेरा दूल्हा है जो मुझे सबसे ज्यादा खाया है दुनिया में। पत्नी कहो दूल्हे की गांठ फटी पड़ी है, उसे पता है हर रात इस गांठ को कुत्ता उजली होती है। अब कौन शांत करेगा उसे? थक गया हूं मैं ये प्यार से, चाहता हूं कि कोई ऐसा मर्द मिले जो मुझे तहस नहस कर दे। सबसे पहले इस देश में यही काम होना चाहिए, कोई इससे तहस नहस करो। अरे ऐसे कौन बोलता है यार? यार भाई भूसड़ी के सुन यार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तहस नहस कर दे। एक सेकंड रुक जाए यार, कर जा तहस नहस। कौन है ऐसा जो शरेआम मेरे ऊपर अत्याचार करेगा? कौन है ऐसा जो इस ब्यूटी बोन को दबा दबा कर अंदर घुसेड़ देगा? तुझे प्यार चाहिए या फिर मार? पहले फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? मुझे किसी जाट की जरूरत है, वो रोहतक का होना चाहिए, भिवानी का होना चाहिए, वो कोई हरियाणवी होना चाहिए, पंजाबी होना चाहिए। जाट की झाट नहीं मिलेगी तुझे, इसे ना राष्ट्र पशु देना चाहिए। ऐसे खुले में ये ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाएगा। मैं बहुत भूखा हूँ फैंस, कौन है वो मद्रासी जो रगड़ रगड़ कर मेरे इस तन बदन को डोसा बना देगा? बस यही तो सुनना रह गया था। ऐसा ही है ये, जब ये उदास होता है तो मोटर पे बैठ के वाइब्रेट होता है, और जब ये खुश होता है तो वादियों की तरफ देख के चिल्लाता है, मैं हूं घटोत्कच मेरी बंगा मेरी। वो बंगाली जो मुझे तो बड़े बड़े रसीले रसगुल्ले मेरे मुंह में ठूस देगा। टट्टे जी है ना, टट्टे जी है, टट्टे है, टट्टे शर्मा मत, शर्मा टट्टे जी है ना। से घंट चुटिया इंसान नहीं देखा मैंने आज तक। वो पंजाबी जो मेरे मुंह में खट्टी लस्सी की पिचकारी मारेगा। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस आसमानी नन को खट्टी लस्सी की पिचकारी दी जाए, और याद रहे वो एक पंजाबी की। मां इसको वायरल मत करो। अबे तेरी एमएमएस थोड़ी ना लीक हुई है जिसको देख के कह रहा है इसको वायरल मत करो। कोई नहीं करेगा, किसी को शौक नहीं है तेरे पिलपिले सुअर जैसा शरीर देखने का। मैं एक मर्द हूँ, सच्चा मर्द। अजी लवड़ा, लवड़ा एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो नौकरी ले ले उसमें जाके, बताओ मैं जो कंपनी बना दी। बहुत पंजाबी लड़के आए मेरी जिंदगी में, पीछे से बल्ले बल्ले करके चले गए। क्या करके चले गए? बल्ले बल्ले करके चले गए। तो अलग ही चुदम पट्टी मचा रहा है, अगर ऐसे बल्ले बल्ले कर रहे हैं तो भंगड़ा कैसे पाएंगे? भंगड़ा पाके चले गए। पहल के लड़ो, अरे मैं
मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चूतिए घेरे, लेकिन ये मेरी सहन शक्ति के पार जा रहा है। बहुत से लोग आए और मेरे पीछे भंगड़ा पाके चले गए, लेकिन दीपक को दर्द नहीं हुआ। मेरी जान, दीपक ऐसा मर्द है। मैं दिखाता हूँ कैसा मर्द है। भगवान से डर भोसड़ी के। ये देखो, ये गाय होती हैं और यही हमें दूध देती हैं। ये गाय को चूचियां होती हैं। चूचियां? चूचियां, ये कैसी बीमारी का नाम लग रहा है जिसमें पूरे शरीर पे चूचे हो जाते हैं। हाथ पे चूचे, पैर पे चूचे, गर्दन पे चूचे, पीठ पे चूचे, चूचों के दो आगे चूचे, चूचों के दो पीछे चूचे। बोलो कितने चूचे। चूचियां, चूचियां। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आज से 9 महीने पहले विराट कोहली ने 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से एक छक्का मारा था और वो बॉल सीधे स्पिन होके गई इसकी बुंद में। अब आगे विराट कोहली, तुम तो रातें यकीन करके चले गए, लेकिन दीपक राम प्रेगनेंट हो गया है और अब ये 90 महीने ऊंचे चल रहा है। बहुत लाते मार रहा है ये बच्चा। बच्चा लाते इसलिए मार रहा है क्योंकि उसे कैसे भी करके वहां से बाहर निकलना है। उसकी हालत एक तिहाड़ जेल के कैदी जैसी हो गई है। ना खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है, मिलता है तो बस खट्टी लस्सी की पिचकारी। विराट कोहली, तुम दीपक कलाल को छोड़कर चले गए, लेकिन हमारा ये जो बच्चा है, ये पैदा किया इसने इंसान के रूप में शैतान है। ये बकरियों को जाके कहता है बकरी मुझे अंजा दो, कश्मीर की नदियों को देख कर कहता है लव यू लवड़ा। अगर आप वर्जिन है तो दीपक कलाल आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और मेरा पर्सनल फेवरेट इंटेनस आवर इंडक्शन मोटर स्टार्ट। बस हो गया आज का। अगर मैंने इसकी शक्ल एक और बार देख ली तो मैं पूछना चाहूंगा। तो इसलिए अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस पे और वीडियोस बनाऊं तो लाइक मारो, और अगर नहीं चाहते हो तो और जोर से लाइक मारो। एक तो इस बार मैं रख ही नहीं रहा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है, वो जो लाल है ना रेड कलर का बटन, उस पर खट्टी लस्सी की पिचकारी मारो या फिर उसे तहस नहस कर दो। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं यार, मेरी अर्जुन दीप साइकेट्रिस्ट के यहाँ अपॉइंटमेंट है। बाय। मोहन खिड़कियां बंद कर दे, हो सकता है मैं कूदने की कोशिश करूं। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन, और मैं बात करूंगा आपसे इसी वीडियो के हवाले से। जैसा कि ये वीडियो आप लोगों ने देखी, ओ थोड़ी सी बची है यानी कि मैंने तो पूरी इंडिया का चुटिया काट दिया। अब सबको पता चल गया कि कौन है वो सर पप्पू। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो, अब हो गई ये वीडियो सच में खत्म। और हम बात करते हैं आपसे इसी वीडियो के हवाले से, दी परफेक्ट ब्राइड। आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो, कैरी मिनाटी की ये वीडियो थी और उस पर मेरा रिएक्शन, और आप लोगों ने देखा कि मैंने काफ़ी इंजॉय की ये वीडियो, और बल्कि ये कह सकते हैं बिल्कुल हैरानगी, परेशानी और सत्ते में जाकर मैंने देखी ये वीडियो, क्योंकि जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म के पहलुओं को दिखाया गया है जो कि दीपक कलाल के हैं। अब इससे होगा ये कि जो है इनके जो है और चाहने वाले और फैंस जो जिस तरह के हैं और जो कि इनकी वीडियोस वगैरह को पसंद करते हैं और इनकी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनकी हो जाएगी और पब्लिसिटी मार्केटिंग। और इसके अलावा जो मैंने एक और वीडियो भी देखी थी कैरिमिनाटी की, वो भी दीपक कलाल के ऊपर थी। ये जो है ये भी दीपक कलाल के ऊपर थी, लेकिन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इससे पहले जो मैंने देखी थी, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो, उसका नेम मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी दीपक कलाल के ऊपर थी। कैरिमिनाटी ने ही बनाई थी, वो भी बहुत ज़्यादा कमाल की थी। ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की थी, और इसमें जो मतलब दीपक कलाल की जो वीडियो में वो हरकतें करते हैं, चीज़ें फ़नी थिंग्स वगैरह, और लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो उन्हीं में से क्लिप्स वगैरह निकाल के और सेट करके और बिल्कुल एक अच्छे अंदाज में और अपने तर्ज बयान जिस तरह से कैरिमिनाटी करते हैं, तो उन्होंने इसमें सब कुछ
मिक्सअप करके सेट करके ये वीडियो बनाई है, जो कि बनने के बाद बहुत ज़्यादा कमाल की बनी है, जो कि देखने के बाद आया है बहुत ज़्यादा हमें मज़ा, हमने तो बहुत इन्जॉय की इस वीडियो को। और ये वीडियो अगर और लंबी होती तो और मज़ा आता, लेकिन जो है जितनी भी थी अच्छी थी और पता नहीं चल सका ये कब ख़त्म हुई, कब शुरू हुई और कब ख़त्म, क्योंकि जो है इतना ज़्यादा मैं इसमें गुम हो गया था कि बस। और जो कि बहुत ही ये कह सकते हैं कि जो दीपक कलाल की जो हरकतें हैं ना, तो उनको इसमें दिखा के और मतलब जो कि ये कह सकते हैं कि एक बिल्कुल इतना ज़बरदस्त किस्म का पैकेज तैयार किया गया इस वीडियो में, जो कि देखने के बाद मज़ा ही आ गया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उससे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने बात की आपसे इसी वीडियो के हवाले से और अपनी राय वगैरह भी दी, अपनी ओपिनियन और अपना रिव्यू वगैरह भी दिया इसी हवाले से शॉर्ट सा। और अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। और आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।